बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 में आपको करवा रही हूँ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रही हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 4, 6, 8 व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड बट द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं आपने फाइव डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, जिसमें आपके पास इन नंबर्स को आप यूज़ कर रहे हैं जबकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जो डिजिट है 2 और 8 वो एक दूसरे के बाद आने चाहिए, या तो 2 8 के बाद आए या तो 8 2 के बाद आए। देन आपसे कह रहे हैं पार्ट 2 में कि द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से आपके पास कह रहे हैं कि आप नंबर बनाइए, फाइव डिजिट नंबर बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, 2 आ जाए 8 आ जाए, ठीक है, उसके बाद कोई भी नंबर आ जाए, 1 आ जाए 6 आ जाए 4 बचा, ठीक है, या फिर ऐसे हो 8 2 हो, ठीक है, फिर 1 6 4 इस तरह से हो, आपके पास कुछ भी नंबर हो सकता है, मगर 8 और 2 और 8 और 8 और 2 एक पोजिशन, मतलब यानी कि आपके पास एक के बाद एक आने चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए, ठीक है। जब इस तरह से आपके पास नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे तो आप देखें आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप ऐसे रखें या तो आप ऐसे रखें, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और 4 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा आपके पास 2 ऑप्शन हैं उनमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ द डिजिट टू एंड एट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर नेक्स्ट टू ईच अदर हैं देन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो या तो आपके पास वो होंगे, ऑप्शन होगा 2 8 हैं, या फिर आपके पास होगा 8 2, जो कि हो जाएगा 2 factorial के इक्वल, और पोजिशंस कितनी है, 4 हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आपके पास बनेंगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, अब 4 अरेंजमेंट्स हैं, 4 factorial, और 4 में से आपके पास 2 factorial के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल है 1 2 3 4 पोजिशंस, और 4 में आपके पास 2 पोजिशंस और हैं। तो 4 factorial और 2 factorial फाइंड आउट करेंगे, तो 4 factorial इज इक्वल्स टू 24, और 24 2 factorial 2 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 24 2 = 48। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगी आपके पास 48। ये था पार्ट 1, ठीक है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के मतलब बाद नहीं आए, या तो 8 2 के बाद ना, या 2 8 के बाद ना, ये ना हो आपके पास, ठीक है, या तो इस तरह नंबर हो आपके पास के 1 6 2 4 8, ठीक है, या फिर हो 6 2 4, ठीक है, फिर 8 देन बचा 1, ठीक है। इस तरह से नंबर एक दूसरे के आपके पास बराबर बराबर ना आए, तो आप देखेंगे पहले टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगी कितनी। टोटल अरेंजमेंट में से अगर आप ये अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे वाली को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 48 को जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर आ रही थी, तो आपके पास कितनी अरेंजमेंट बचेंगी, तो वो हो जाएंगे आपके पास के 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो पार्ट 2 है थर्ड डिजिट्स 2 and 8 आर not next to each other, then total arrangements, total जो arrangements आएंगी वो आ जाएंगी आपके पास, total है 5 numbers और 5 के 5 आप use कर सकते हैं, ठीक है, तो आप use कर लेंगे just npr is equals to n factorial divided by n माइनस आर फैक्टोरियल। टोटल 5 और 5 के 5 अगर आप यूज़ कर सकते हैं, n इज़ इक्वल्स टू भी 5 है और r इज़ इक्वल्स टू भी 5 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 p
फाइव इज़ इक्वल्स टू फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव माइनस फाइव फैक्टोरियल, तो ये आपके पास हो जाएगा वन ट्वेंटी। या अगेन टोटल अरेंजमेंट्स, तो अगर आपको फाइंड करनी है अरेंजमेंट्स, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल अरेंजमेंट्स माइनस वो अरेंजमेंट जो नेक्स्ट टू जो है वो टू और एट के नेक्स्ट टू ईच अदर है, ठीक है, वो थी 48, उसमें से 48 माइनस कर दें, तो 120 माइनस 48 करें तो हमारे पास आ गया है 72। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएंगी 72, विच आर नॉट जो है वो द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 72। तो हम यहाँ लिखेंगे द डिजिट, इसी तरह से आप ऊपर वाले का भी लिख लेंगे, 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर 72। ठीक है, ये 72 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे आपके पास, अगर आपके पास 2 और 8 जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है तो, और अगर नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे तो 48 अरेंजमेंट्स आपके पास आएंगी। ये था आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।